लाइफ चिकन का कोई रेट नहीं होता। कोई मुझे बता दे पाकिस्तान, बर्तानिया, लंदन, कोई बता दे कि लाइफ काम का कोई इसका हद होता है? नहीं होता। क्यों? कि मैंने एक लाख की कंट्रोल शेड लगाया, मेरा छठे हफ्ते में 70,000 मुर्गी मर जाती है। क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सब्सिडी दे रही है? मैं हमारे डीलर को दे रही है, हमारे दुकानदार को दे रही है, हमारे आरती को दे रही है, जो आरती गाड़ी लेके आता है। 10 लोगों से मिलते हुए पुलिस, हर कोई, एक्साइज, सब हमें तंग करती है। उसके बावजूद हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं और साथ साथ हमारा पेट है, हमारे बच्चों का पेट है। आज कमिश्नर कराची गाड़ी में घूमता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारा टैक्स है, हम इनकम टैक्स पे करते हैं। मिस्टर एसएम जावेद अब्बास इस भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इनकम टैक्स पे करता है, हमारे पोल्ट्री के डीलर इनकम टैक्स पे करते हैं। तो हमें तो आप इस किस्म की तंगी नहीं करें ना। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन को कोई सब्सिडी नहीं देती है। जब वो सब्सिडी नहीं देगी तो उसे कोई हक नहीं है कि वो कंट्रोल लिस्ट इशू करे या हमें तायुन करे, हमें बोले कि हम ये काम करेंगे। ऐसा नहीं होता। आप देखेंगे, आप गटर का पानी का, हम भिंडी 200 रुपये किलो खा रहे हैं, हाँ 150 रुपये मटर खा रहे हैं मलिर के गटर के पानी का, उसका कोई रेट नहीं है। सिर्फ रेट है तो चिकन वालों का, दूध वाले 110 से 120 140 बेच रहे, कोई नहीं है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये इंतज़ामिया SDM हो, DC हो, कमिश्नर हो, वो सिर्फ मुर्गी वाले पे करता है। पहली बात तो आप ये बताएं कि जब हमारी पोल्ट्री 96 रुपये का हम बर्ड्स लेते हैं, 47,000 का हम एक बैग लेते हैं फीड का, तो हमारे ऊपर लागत आती है 2,270 रुपये। हम 2,270 रुपये में बना गए, हम 220 रुपये में दे दें, ये कौन सा वर्ल्ड बताता है या ये कौन सा पाकिस्तान का कानून बताता है कि हम 270 रुपये में उसकी नशोनुमा करें और 220 रुपये में कमिश्नर कराची के कहने पे हम सेल कर दें। कमिश्नर कराची से बोले वो सारे काम आरती शॉपकीपर बंद कर देते हैं, आप अपना कोई रिश्तेदार ला के खड़ा कर दें, वो मुर्गी बेचें। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सरसर धांधली है, ये सरसर बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। जो रेड लिस्ट निकाली गई उसमें जो है वो गैर मुनसिफाना थी, और वो रेट जो है कोई उसका हिसाब किताब जिस तरीके से लगाया है वो तरीक़ाकार सही नहीं है। पूरे मुल्क में ऐसा नहीं है, पूरे मुल्क में जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से रेट निकलता है, तलब और रसद की बुनियाद पर। कराची में इस रेट को फिक्स किया गया है, जो ज्यादती है उस हिसाब से दुकानदार को ना आड़ती मुर्गी देता है, ना आड़ती को फार्मर उस रेट से मुर्गी देता है, और सिर्फ छापे जो है वो दुकानदारों पे मारे जाते हैं, जो सरासर ज्यादती है। जब मुर्गी हमें उस रेट में नहीं मिलेगी तो हम जो है वो किस तरीके से उस रेट पे को फाले कर सकते हैं कमिश्नर के रेट पे? ये पोजीशन है, इस पोजीशन में दुकानदारों का कारोबार करना जो है वो नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो उसमें हमें मजबूरन तौर पे जो है दुकानें बंद करना पड़ेंगी, जिस जो है ना हमारा आखिरी जो है ना वो ऑप्शन।